इस पोशाक का वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम इस पोशाक के सेट का टोपी बनाएंगे। देखिए टोपी बनाना भी काफ़ी आसान है। इस पे हम 35 फंदा ले चुके हैं सिलाई पे। देखिए 35 फंदा लेने के बाद में हम यहाँ पे इसे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो पहला सिलाई अगर आप चाहते हैं तो सीधा बुन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पहला सिलाई भी उल्टा बुन रहे हैं। तो ये पहला लाइन इस तरह से कंप्लीट होता है। दूसरा लाइन हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, पलट लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसे 6 लाइन में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम डिजाइन डालना इस पे शुरू करेंगे। देखिए इस तरह का जो धारी आता है, लाइनिंग आता है उल्टा उल्टा का लाइनिंग, ये 3 हमारा होना चाहिए यहाँ पे। ये एक है इस वक्त, और 2 बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे 3 लाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 3 लाइन कंप्लीट हो गया है, 1 2 3। इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 और 1 4, 4 लाइन कंप्लीट होगा। ये सीधा तरफ का है, यानी एक लाइन हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से हम डिजाइन शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, तीसरा 2 का 1 करेंगे, चौथा भी 2 का 1 करेंगे। आगे जितना भी टोटल हमारे पास है 2 का 1 करते जाएंगे, सिर्फ लास्ट में 2 फंदों को अलग अलग बुनेंगे। देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते चले जाएंगे, क्योंकि हमें फंदा यहाँ पे कम करना है। देखिए अब हमारे पास यहाँ ये बचता है 3 फंदा, तो हम 2 का 1 कर लेते हैं और लास्ट का 1 फंदा प्लेन बुन लेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब आगे डिजाइन को हम शुरू करेंगे। देखिए डिजाइन शुरू करने में हमें पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, उल्टा 2 फंदा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। ये सीधा तरफ है, हाँ सीधा तरफ देख लें, सीधा उल्टा। इसके बाद फिर से हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, यानी हम जो पोशाक में डिजाइन डाले हुए हैं उसी डिजाइन को हम बुनेंगे। ये 2 उल्टा बुनेंगे, 2 उल्टा 1 सीधा, 2 उल्टा 1 सीधा,
फिर से दो उल्टा, एक सीधा, फिर से दो उल्टा और लास्ट का एक सीधा। अब उल्टा तरफ से जो सीधा है उसे हम सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, दो सीधा है, एक दो, दो सीधा, अगला फंदा उल्टा हमारा यहाँ पे। एक बार हम देख लेंगे अच्छी ढंग से, इसके बाद बुनेंगे। सीधा तरफ से घुमाकर देखेंगे, देखिए दो उल्टा एक सीधा, यानी हम इस तरफ से जब बुनेंगे तो हमारा ये आ जाएगा उल्टा और ये दो सीधा आ जाएगा, एक और एक दो सीधा, और ये आ जाएगा एक उल्टा, फिर से दो सीधा आएगा, दो उल्टा। बस इसी चीज़ को हम कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे 6 लाइन बुनकर कंप्लीट किए हैं और 2 लाइन बुन लेंगे। दो उल्टा एक सीधा जो हम पोशाक में डाले हुए हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे बुन रहे हैं। अभी से लास्ट, अब उल्टा तरफ से, ठीक उल्टा में उल्टा और सीधा में सीधा, जिस तरह से हम बुने हुए थे। और अगर आप देख लें कि ये आपका ज़्यादा बड़ा तो भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे एक लाइन और बुन लेते हैं। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद देखिए हमारा कुछ ये इस तरह से अभी हुआ है इस वक्त। अब पलटने के बाद हम इसे पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये दो उल्टा जो फंदा देख रही हैं आप ये दो का एक करेंगे और फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक ये सीधा बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये दो फंदा उल्टा जो है बीच का इसे हम दो का एक करेंगे और ये एक फंदा जो सीधा चला जा रहा है सीधा बुनेंगे। फिर से यानी इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। अब उल्टा तरफ से आप चाहें तो पूरा उल्टा बुन सकती हैं और अगर आप चाहती हैं तो एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर नुमा इसे बुन सकती हैं आप, एक उल्टा एक सीधा। ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, सुई धागा लेंगे, इसी उन में हम धागा सुई पुरो लेंगे। ये यहाँ से हम कट कर लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है,
अब इसे सुई पे हम जितना भी फंदा है सबको हम सुई पे डालेंगे। तेरा फंदा है हमारे पास। टाइट कर लेंगे और बल्कि हम अच्छे से यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे, या तो आप इस तरीके से टाइट कर लें, बिल्कुल टाइट कर लें, लास्ट में एक गांठ भी लगा लें ताकि ये खुले ना। ये हो गया। अब देखिए अभी इसे हमें पलट लेना है इस तरह से, उल्टा तरफ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे पलट लिए, और अगर आप चाहते हैं इसे मिलाते हुए सिलना तो आप मिलाते हुए भी सिल सकती हैं, इस सिलने का तरीका भी हम बताए हुए हैं। देखिए मिलाते हुए अगर सिलना है आपको तो ये इस तरह से सिलेंगी आप इस तरीके से, और फिर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे डालें, यहाँ पे निकालें, ये हो गया। फिर से इसमें डालेंगे, इसमें निकालेंगे, ये हो गया। फिर से इसमें, इसमें, फिर से यहाँ पे, ये हो गया। देखिए मिलाते हुए सिलने पे ये इस तरह का लगेगा। अब यहाँ पे हमें किस तरह सिलना है, ये और ये दोनों में डालें, फिर से ये और ये हो गया। फिर से इसमें और इसमें, ये हो गया। देखिए यहाँ इसे भी मिलाएंगे इस तरीके से, ये इस ढंग से मिलाएंगे, और लास्ट में यहाँ पे हम इस ढंग से मिला लेंगे। अब इसे हम अंदर पलट लेंगे। सबसे पहले पलटने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से इस पर गांठ लगा लें, या तो फिर आप ऊपर की ओर ले जाएं इसे इस तरीके से सिलते हुए। आपको गांठ यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये और ये, देखिए ये उनको भी हम साथ में मिला ले रहे हैं जो हमारा बाहर की ओर था। ये हो गया। अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे इस दोनों को मिलाते हुए। अब इसे कट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।